उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा है, योगी सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान और व्यापारी का सरकार से विश्वास उठ चुका है। प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने संकल्प पत्र को भूल गई है। सरकार के बजट ने जनता को सिर्फ लूटा है। तत्कालीन सपा सरकार ने जनता को हर सुविधा मुहैया कराई है। सरकार बिजली घाटे में जाने पर कंपनी को बेच रही है। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छात्रा को सम्मान भी दिया है। हम इस समय मिर्जापुर में आए हुए हैं, अखिलेश यादव से मिले और लैपटॉप, मतलब वो हमसे पूछ रहे थे कि आपके पास है कि नहीं, तो इस समय हम यूज कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, उसी से ITI भी कर रहे हैं। स्टेट का मतलब क्या है कि जल्दी से मिल गया तुमको, इसलिए ले लिया गया था, फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी ने हमको दे दिया वापस। आज कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको वापस लैपटॉप दे दिए, मेरा सम्मान भी रह गया। ये कैंप सोशल मीडिया का नहीं है, ये कैंप देश के हालात को लेकर के है। जो आज परिस्थितियां किसानों के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं, व्यापारियों के सामने, आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं इस सरकार से। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, समाजवादी पार्टी का विजन देखा है कि किस तरीके से एम्बुलेंस चलती हैं, किस तरीके से इलाज की सुविधाएं थी, किस तरीके से पुलिस के लिए 100 जो अब 112 है रिस्पांस सिस्टम दिया था, ये तमाम सुविधाएं जो गरीब जनता के लिए थी वो देखा है उन्होंने कि समाजवादी पार्टी के विजन क्या है। यही बनारस से लेकर के सोनभद्र 4 लेन सड़क कितने कम समय में बनके तैयार हो गई, यही सोनभद्र में सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे बिजली के, यही जगह पर जहां नेताजी ने कभी कन्यादान बांटा हम लैपटॉप बंटवाए हैं, आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया महंगाई से। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। आप बिजली का बिल कितना महंगा है, एक यूनिट बिजली नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और बताइए बिजली कितनी महंगी।